मिनी मिलिशिया न्यू अपडेट 5.4.0। तो भाई यार मैं आ चुका हूँ एक और मजेदार वीडियो लेकर के, और इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को मिनी मिलिशिया के नए अपडेट के बारे में। तो भाई यार इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, दुल्हन अब आपके घर पे जा रही है। अरे ये क्या बोल रहा हूँ, अरे मेरा मतलब है कि अपडेट अब आपके मोबाइल पे आ चुका है। लेकिन रुको रुको, इतना जल्दी भी नहीं है, अपडेट करने से पहले कुछ चीजें सुन लो, मेरी बातें तो जान लो क्या क्या नया अपडेट में आया है। तो भाई यार वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं फुल डिटेल्स में आप लोग को बताने वाला हूं, ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। और भाई पहले ही मैं वार्निंग दे रहा हूं, भाई नया अपडेट आया है, प्लीज इसको बिगाड़ने की कोशिश मत करना, मतलब कि हैक करने की कोशिश मत करना। अब मैं आप लोग को यहां पे जल्दी जल्दी अपडेट करके दिखाता हूं। प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, फिर उसके बाद मिनी मिलिशिया सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो स्टार्टिंग में यहां पे आ जाएगा अपडेट का ऑप्शन, और यहां पे आप लोग पढ़ सकते हो व्हाट्स न्यू में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया है, बग्स वगैरह फिक्स किए गए हैं, ग्लिचेस वगैरह फिक्स किए गए हैं, और ऐड फ्रेंड करने का ऑप्शन और ज्यादा शॉर्टली कर दिया गया है। बहुत सारे बंदे को आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, और किसी भी बंदे को ऐड करने के लिए पहले उसकी आईडी की जरूरत होती थी, लेकिन अब नाम से या फिर उसके निक नेम से भी बंदा आपको मिल जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हो 5.4.0 वर्जन है, यहां पे जैसे ही मैं अपडेट लगाऊंगा बहुत ज्यादा एमबी का ये अपडेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 29 MB का ये अपडेट है। तो भाई यार जल्दी से जल्दी आप लोग अपडेट कर लेना, लेकिन अभी नहीं, पहले वीडियो पूरी देख करके जाओ, नहीं तो फिर अपडेट पे लगा दोगे, फिर कहोगे अरे विश्व भाई ये भी नया आया है, आपने बताया ही नहीं, विश्व भाई आप तो ये भी नहीं बताए। तो यहाँ पे भाई जल्दी जल्दी हम लोग अपडेट कर लेते हैं। ज्यादा एमपी का तो नहीं है, इंस्टॉलिंग होना चालू हो चुका है क्योंकि हमारे पास वाईफाई है, जल्दी हो गया। और यहाँ पे भैया इंस्टॉल करने के बाद हम लोग गेम को ऑन करते हैं। लॉबी स्किन हम लोग की सेम टू सेम है जैसे पहले थी, और यहाँ पे भाई मैं प्रोफाइल ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेटिंग्स में भी आप देख सकते हो, सेटिंग्स में भी भाई आपको सबसे नीचे सिर्फ और सिर्फ वर्जन बदल गया है, बाकी सब कुछ वही है। लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, गेम की जो ग्राफिक थोड़ी ज्यादा एचडी टाइप की नहीं लग रही है, मेरे को तो लग रही है, भाई आप लोग कमेंट करके बताना क्या आपको भी लग रही है। तो यहां पे भाई ये सारी चीजों में आप चेक कर सकते हो, कुछ भी नया नहीं आया। मैं वैसे आप लोग को चेक करके एक बार दिखा भी दे रहा हूं, मेरे को लगा था कि भाई कोई नए आईज वगैरह, हेयर वगैरह या फिर माउथ वगैरह कुछ तो आएगा, ड्रेस वगैरह आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नया आउटफिट भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, सबको सब भाई शिपमेंट में ही हम लोग को नया आउटफिट मिल रहे हैं, और शिपमेंट में भी एक ही आउटफिट को रिपीट किया जा रहा है, वो तो आप लोग देखे ही हो। और यहाँ पे भाई हेयर वगैरह भी आप लोग को दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ भी नया आया ही नहीं है, बस वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर दिया गया है, बस हाई क्वालिटी का मतलब ग्राफिक्स में चेंजेस किए गए हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट भाई आउटफिट भी चेक करा देता हूँ, आउटफिट भी आप लोग देख सकते हो, कोई भी यहाँ पे आउटफिट चेंज नहीं हुआ है, बस क्वालिटी हाई हो गई है आउटफिट्स की, कोई नया आउटफिट भी नहीं आया है। भाई यार ये गंदा काम कर दिया इस अपडेट में, नया आउटफिट तो आना चाहिए था ना यार। तो भाई अभी मैं फिर से लॉबी स्किन पे आ गया हूँ, और यहाँ पे भाई आपको अब बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ। रिवॉर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस मेरे को देखने में लग रहा है, बाकी भाई क्रेट ओपन वैसे ही हो रहा है जैसे क्रेट पहले भी ओपन होता था, जो कुछ भी मिलता था वैसे ही आपको मिलेगा। यहाँ पे तो भाई मेरे लगभग गन अपग्रेड हो चुके हैं, डुप्लीकेट वेस्ट, वाह भाई वाह, कम से कम उस पर पैसे तो मिले। और यहाँ पे अभी आप लोग को लॉबी स्किन पे कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। आर्मरी वगैरह मैं दिखा करके वीडियो को और बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, आर्मरी हम लोग का जैसा था वैसा ही है, कुछ भी गन में चेंजेस नहीं है। मैच के अंदर भाई आप लोग को यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, जैसे ही आप लोग कोई भी मैप खेलोगे तो स्टार्टिंग में आप लोग के कैरेक्टर के पास कोई भी गन नहीं होगा, आपको खुद से गन के पास जाना होगा, गन को उठाना होगा और फाइट करना होगा, जैसा कि भाई मैं आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं किलो जाता हूँ, दूसरी बार अगर रिस्पॉन्ड करता हूँ तो हमारे पास गन ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, पहले जैसे रहता था वैसे ही है। बस स्टार्टिंग पहला मैच जो आप खेलोगे, मतलब पहला वाला जो राउंड स्टार्ट होगा हम लोग का डेथ होने से पहले, किल होने से पहले, उसमें ही सिर्फ आप लोग को ये चीज देखने को मिलेगा, बाकी उसके बाद भाई आप लोग बार बार किल होते रहो, किल करते रहो, वैसे ही नॉर्मल चलेगा। लेकिन यार गेम में बहुत ज्यादा स्मूथनेस देखने को आपको मिलेगी पहले के मुकाबले, अभी का जो गेम है ना अपडेट के बाद बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया है, खेलने में काफी ज्यादा सॉफ्ट टाइप का गेम लग रहा है, एकदम इजी हर चीज वर्क कर रहा है, एकदम अच्छे से अटकना बिल्कुल भी नहीं है, लैगिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, हैक्स वगैरह मत करना नहीं तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो अभी आप लोग लॉबी स्क्रीन पे देख सकते हो भाई एचडी ग्राफिक की वजह से थोड़ा सा ग्राफिक एकदम ध्यान से देखोगे तो हल्का फुल्का चेंज दिखेगा, बहुत ज्यादा ग्राफिक में आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। अभी आप लोग का एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कहीं ये ग्लिच तो नहीं है ना, तो भाई यहाँ पे मैं दूसरी लॉबी भी लगा के देख लेता हूँ, मतलब दूसरे मैच में भी चल के हम लोग दिखा देते हैं आपको,
कि यहाँ पे भाई करेक्टर के पास कोई भी गन स्टार्टिंग में नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे स्पॉन किया और मेरे हाथ में भाई कोई भी गन नहीं है, कोई भी नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप कुछ कोई चीज़ उठाते हो तो आपके पास नेट भी आ जाएगा, आप अगर गन उठाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास गन रहेगा और कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या करते थे पहले, भाई स्टार्टिंग में आते ही भाई शॉट लेना चालू, किल करना चालू। अब भाई तुम पहले लूटो फिर उसके बाद मारो, समझ रहे हो ना, लूटने का सिस्टम भाई बढ़िया कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैंने गन तो उठा लिया लेकिन अभी भी मेरे पास नेड नहीं है, अभी मेरे को नेड लूटना पड़ेगा। और नेड आपको पता है कहाँ से मिलेगा, किसी भी एनिमी को किल करके या फिर जहाँ पे स्पॉन करता है नेड वगैरह वहाँ से भी आप पिकअप कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे दो बंदे फाइट कर रहे हैं, फाइट वैसे ही होगी नॉर्मल डैमेज जैसे आप देते थे, सब कुछ वैसा ही है। और यहाँ पे भाई देख सकते हो मैंने किल कर दिया। तो भाई यार ये अपडेट मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग भी जाइए जल्दी से जाकर के अपडेट करो और बताओ कि आप लोग को ये अपडेट कैसा लग रहा है। क्या आपके भी मोबाइल में HD ग्राफिक्स की टाइप का थोड़ा शो कर रहा है, क्या आपके भी आउटफिट्स में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और ये वाला जो आपको हैंड वाला मतलब स्टार्टिंग में गन आपके हाथ में नहीं है, क्या ये चीज़ आपको अच्छा लगा, सब कुछ भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई यार अब हैप्पी हो जाओ, हो सकता है कुछ ही टाइम में ऐसे ही अपडेट अगर आता रहा तो बैटल पास भी हम लोग को देखने को जरूर मिल सकता है। तो भाई यार मिनी मिलिशिया को भाई खेलते रहो, बिगाड़ने की कोशिश मत करना, थोड़े बहुत ही खेलते रहो टाइम पास के लिए, लेकिन यार इस पे कंटिन्यू बने रहो ताकि यार डेवलपर्स को भी लगे कि हाँ यार गेम्स को आज भी बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, गेम को और भी बहुत ज्यादा लोग इनको खेलना चाहते हैं, ताकि भाई वो लोग बहुत जल्दी हम लोग को अपडेट दे दें। तो भाई यार कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई भी बंदा चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो भाई यार गेमिंग पैलेस इन मिनी मिलिशिया फनी गेम प्ले वीडियो क्या आपने देख लिया, और अगर अभी तक नहीं देखा तो भाई क्या कर रहे हो, आपके राइट स्क्रीन पे ये रहा, टैप करो वीडियो को पूरा देखो। और क्या आप भाई मिनी मिलिशिया में कृतिका प्लेस जैसी आउटफिट बनाना चाहते हो, हाउ टू मेक कृतिका प्लेस आउटफिट इन मिनी मिलिशिया, अगर हाँ तो भाई यार लेफ्ट वाले वीडियो को जरूर देख लेना।